वेल डन मीट चाहिए और चीज चाहिए ना, तो सबसे पहले लेंगे हम यहाँ से मीट, और मीट को ऐसे ही रख देता हूँ मैं इसके ऊपर, और यहाँ से ले लेते हैं चीज। चीज को रखते हैं इधर साइड में, इसको उठा के डिब्बे को ऊपर रखते हैं। और क्या ये टोस्टेड बन हो चुके हैं? यस, ये टोस्टेड बन हो चुका है। बेस नीचे जाएगा, ऊपर वाला जो है उसको यहाँ पर हटा देते हैं, और कोई चीज की जरूरत नहीं, काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। और ये वेल डन मीट बस होने पे ही है। हेलो, स्वागत है आप सभी का फूड ट्रक सिम्युलेटर के पहले एपिसोड में। तो हम वापस से आ चुके हैं और आज का एपिसोड का काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि इस गेम के लॉन्च होने का मैं काफी ज्यादा टाइम से वेट कर रहा था और फाइनली ये गेम आ चुका है। अभी भी फुल वर्जन इसका लॉन्च नहीं हुआ है, कुछ टाइम के अंदर फुल वर्जन लॉन्च हो जाएगा। अभी जस्ट इसका डेमो आया है, तो इस गेम के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड इसीलिए था क्योंकि इस गेम को गैस स्टेशन सिम्युलेटर वालों ने बनाया है। तो सोच सकते हैं ये गेम कितना ज्यादा मजेदार होने वाला है। अगर शॉर्ट में बताऊं तो इसमें हमारे फादर का एक फूड ट्रक का बिजनेस था जो कि बंद हो चुका है। हमें फूड बिजनेस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, फूड ट्रक को कैसे चलाते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, हमें कोई भी चीज का कुछ भी आइडिया नहीं है। तो जैसे तैसे करके हम हमारे फादर का बिजनेस वापस से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलते सबसे पहले हम अपने फादर के टाउन जहां पर ये बिजनेस होगा। तो हम अपने टाउन आ चुके हैं, मतलब अपने फादर के टाउन आ चुके हैं, और ये सिटी देखने में तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। और यहाँ पर किसी का गैराज है, शायद से ये गैराज कहीं हमारा तो नहीं है, और ये गैराज शायद से हमारा है। और यहाँ पर हम बुक पढ़ रहे हैं। Okay. The truck is a mess. Maybe there's something in this album I could use to help me. सही बात है। Dad was always so good at that. Only I can touch the truck, he used to say. No mechanics okay. getting his dirty hands on it. तो हमारे फादर डायरी भी लिखते थे। खैर, अभी सबसे पहला टास्क है हमारा हमारे कंप्यूटर को यूज करना। अभी फर्स्ट एपिसोड में सारे के सारे जो गेम के बेसिक्स है हम वो सारी की सारी चीजें सीख जाएंगे। सबसे पहले अपने को अपने ट्रक को कस्टमाइज करना है, तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले करना पड़ेगा उसे पेंट, क्योंकि अभी अगर हालत देखोगे तो भाई काफी ज्यादा खराब हालत हो चुकी है, मतलब पूरी टोटल ट्रक हमारी खराब हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना ऑरेंज कलर करे या येलो करे या फिर ग्रीन करे। ऑरेंज कलर ना काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा। अभी हमारे पास में अगर पैसे दोगे तो $1,000 है, जिसके अंदर हमें सारी की सारी चीजें करनी है। तो यहाँ पर कलर तो हमने कर दिया, बस इसको अब लेआउट देना है, मतलब इसके ऊपर जो ग्राफिक्स हम बनाने वाले हैं, ताकि लोगों को देखने में समझ में आ जाए कि हमारा बढ़िया वाला फूड ट्रक है। और भाई साहब यहाँ पर फूड ट्रक का एक बढ़िया वाला बर्गर का लोगो है उसके साथ में, ये इतना कुछ खास नहीं लग रहा है मेरे को, तो ये सबसे बढ़िया लग रहा है फूड ट्रक वाला, क्योंकि जो कार्टून है ना काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। कलर वगैरह वो कुछ भी हम चेंज नहीं करेंगे, इसको बस हम यहाँ पर अप्लाई कर दे रहे। अब इसमें जाकर हमें अपने टायर्स भी गाड़ी के चेंज करना है, क्योंकि सारे के सारे पंचर हो चुके हैं। तो यहाँ पर से टायर भी चेंज कर लिया, अपग्रेड्स के अंदर जा करना, एक बार चेक कर लेते कि और क्या क्या चीज की फूड ट्रक के अंदर जरूरत होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है बर्गर ग्रिल, तो $15 की अपने को मिल रही है, इसको मैं परचेस कर लेता हूँ भाई, जिसके ऊपर हम बर्गर बनाएंगे। चलो ये वाला काम तो हो गया इसके साथ में, और अभी हमें क्या अपग्रेड करना है तो फटाफट से वो चेक कर लेते हैं। तो न्यू ग्रिल के साथ में न्यू रेसिपीज अनलॉक हुई है, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है। तो फ्रिज के अंदर जाके $15 का एक और फ्रिज बिठा लेते, क्योंकि अभी अगर जो हमारा करंट फ्रिज है वो देख रहे हो पूरा जंग खाकर टूट चुका है अंदर से। तो यहाँ पर एक नए फ्रिज की काफी ज्यादा जरूरत थी, तो हमने एक फ्रिज और एक ग्रिल लगा दिया है। अभी और क्या चीज की जरूरत है फटाफट से वो चेक कर लेते हैं। अभी अपने को यहाँ पर जा करना मैप ढूंढना पड़ेगा, मगर मैप ढूंढने से पहले हमें यहाँ पर एल्बम में चेक करना है कि और कौन सी चीज है जो हमें अपने फादर के डायरी से मालूम हो जाएगी। चलो मैप लेइंग अराउंड हियर समवेयर। यस, यहाँ पर जाके अभी हमें मैप चेक करना है, और मैप हमें यहीं पर सामने दिख गया, और ये बता रहा है कलेक्टेबल्स, मतलब यहाँ पर जाके हम कोई भी नई चीज को कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि शायद हमारे कुछ ना कुछ काम में आ जाएगी। और ये है सिटी का मैप, जो कि काफी ज्यादा बड़ी सिटी है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर एक शॉप दिख रही है जहाँ पर हम अपना सारा का सारा सुपरमार्केट का सामान परचेस करेंगे। तो जो भी सामान है हम वो यहाँ से खरीदेंगे। अभी फिलहाल में ना गाड़ी के अंदर जाके मेरे को रेडियो बिठाना है, ताकि फ्री टाइम में हम रेडियो वगैरह सुन सके। सिर्फ रेडियो पे गाने ही नहीं, हम रेडियो के ऊपर लोकल न्यूज भी तो सुन सकते। तो यहाँ पर जाकर फटाफट से अंदर एक रेडियो परचेस करके लगा देते। हो गया रेडियो का
हुआ काम, अब चलते हैं फटाफट से। मगर जाने से पहले अपने को कॉल आ गया, शायद से लारा दीदी है ऐसा मेरे को लग रहा है। ओके, लारा ने, क्लारा है उसका नाम। और यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर हमें गैस स्टेशन सिम्युलेटर का पोस्टर दिखाई दे रहा है। खैर, इंटरेक्ट करना है अभी हमें हमारे पीसी से और जा करना जो शॉप के अंदर सामान रखे गए वो पूरा का पूरा सामान परचेस करना। तो यहाँ पर अपने को बर्गर बंस चाहिए 12, तो फटाफट से बर्गर बंस खरीद लेते हैं। और ये 3 में आउट ऑफ स्टॉक हो गया, खैर कोई बात नहीं, जो जो दिख रहा है सामान वो परचेस करते जाते हैं। और तकरीबन सामान तो सोल्ड आउट हो गया है भाई, जो नहीं हुआ वो हम परचेस करके सोल्ड आउट कर देते हैं। और यहाँ पर और कुछ आ रहा है तो अनकुक्ड मीट अभी हमने ले लिया, बर्गर बन ले लिया, बेकन ले लिया, चीज स्लाइस ले लिया, टोमेटो और गैस बॉटल। ओके, फटाफट से इसको कर देते हैं ऑर्डर और जाकर गाड़ी में अपने क्लारा की दुकान से सामान उठाकर लेके आ जाते हैं। चलो, तो ये है हमारी गाड़ी जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। और हम बैठ चुके हमारी गड्डी में। ओ भाई साहब, गैराज ऑटोमेटिक है, वाह, हमारे इतने भंगार गैराज में भी सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिक है। अब फटाफट से चलते हम अपनी लोकेशन पर। और भाई सामने का दिखा दे मेरे को, इधर आसपास का आजू बाजू का नहीं दिखना। और भाई लोग, इसके ग्राफिक्स काफी ज्यादा बढ़िया है। और जो हमारा सिटी है वो भी तो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। अभी अपना जो लोकेशन है वो 300 मीटर का है, सिग्नल वगैरह के लिए तो हम नहीं रुकने वाले। और भाई हमारी गाड़ी तो ड्रिफ्ट होते होते चल रही है काफी ज्यादा। थोड़ा सा आराम से ही अपने को गाड़ी चलाना पड़ेगा। फटाफट से चलते क्लारा की दुकान पर और यहाँ से काम करता हूँ, शॉर्टकट ले लेता हूँ। हट जाओ दीदी, वहीं अभी चिपक जाती जमीन के ऊपर ना, दिक्कत हो जाती। खैर चलो। ओ नहीं, यहाँ से हमने किसी बंदे को उड़ा दिया, फूड ट्रक में है हमारा ये पहला एक्सीडेंट। चलो यहाँ पर आ जाते फटाफट से, और हमने दो दो बंदे उड़ा दिए, तो चिपक जा रहे भाई, सीधा गलती से उड़ा दिए। खैर, ये हमारे फादर की फ्रेंड है क्लेरा, तो यहाँ से हमने सारा के सारे प्रोडक्ट्स उठा लिए। हमारे पास में अभी शेल्फ है, फ्रिज और फ्रीजर है। फ्रीजर के अंदर जो खतरनाक वाला मीट होगा हम वही रखेंगे, तो जो अनकुक्ड मीट होगा वो जाएगा फ्रिज के अंदर, ठीक है, क्योंकि शेल्फ के अंदर रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा, मुझे पता है आंटी जी। अब सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली सेट कर देंगे। वैसे बंस बाहर भी रख सकते, बंस की तो दिक्कत नहीं है, बंस को तो अपन बाहर भी रख सकते हैं भाई। चलो, तो सारे के सारे बंस मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए, कन्फर्म कर देते यहाँ पर। अब सामान तो लीजिए, अब चलते हैं हम अपनी नई वाली लोकेशन पर। और जहाँ पर हम फूड ट्रक लगाने वाले हैं वो वाली लोकेशन काफी ज्यादा दूर नहीं है, मतलब काफी नजदीक ही है। मेरे को ऐसा लग रहा था पहले कि काफी ज्यादा दूर होगी। और यस, हम आ चुके हैं यहाँ पर। भाई सिटी तो काफी ज्यादा प्यारी है, ट्रक को थोड़ा सा अंदर करके लगा देते वरना यहाँ की पुलिस वाले ना हमें सताएंगे। तो इस कॉर्नर में आ गया अपना फूड ट्रक। और आजू बाजू बैठने के लिए यहाँ पर बेंचेस वगैरह भी है, तो यहाँ पर हैंड ब्रेक खींच के गाड़ी को कर देते हैं होल्ड। और ये है वो पार्क जहाँ पर हमारे फादर किसी जमाने में फूड ट्रक लगाया करते थे, और यहाँ पर अब से हम लगा रहे हैं। और ऊपर भी डिजाइन बन गया है ग्राफिक्स का, मैं तो सिर्फ राइट साइड में देखा था अपने ट्रक के बैक साइड में, ऊपर से भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ पर अभी हम टेबल को साफ कर रहे हैं और शटर को उठा दिया है हमने। और यहाँ पर कस्टमर्स आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पर क्लेरा का फोन आया है। खैर, क्लेरा दीदी मुझे पता है सारी की सारी चीजें के बारे में। तो यहाँ पर अभी अगर देखोगे तो यहाँ पर गैस की कमी है, क्योंकि गैस यहाँ पर है नहीं। और सबसे पहले तो कर देते हैं रेडियो को थोड़ा सा ऑन। यहाँ पर अभी अपने को लगाना है गैस, और गैस को हमने शायद से इस वाली शेल्फ के अंदर रखा था या पता नहीं। गैस लगाते कुछ देर में यहाँ पर है हमारे दो बढ़िया वाले मॉनिटर, मतलब यहाँ पर ऑर्डर आएगा। और यहाँ से ऑर्डर के अंदर क्या क्या चीजें डलने वाली है, सारी की सारी इंग्रेडिएंट्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अब फटाफट से ग्रिल को ऑन करते हैं, और ऑन करने के लिए अपने को लगेगा यहाँ पर गैस बॉटल जो कि इस शेल्फ में है। इसको फटाफट से लेते हैं और इसको लगाते हैं हम यहाँ पर, ताकि गैस की कमी हमें बिल्कुल ना। और यस, अब गैस चालू हो रहा है। अब फटाफट से अपने को बनाना है ऑर्डर, तो सबसे पहले अपने को लेना पड़ेगा यहाँ से मीट। और वैसे एक ही मीट चाहिए, अपने को ज्यादा की जरूरत नहीं। एक बार इसको ऑन करके चेक कर लेते क्या इसके अंदर अपने क्या क्या चीजें लगने वाली है। तो मीट चाहिए वेल्डन वाला, बेकन चाहिए, और कुछ चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ से बेकन भी ले लेते हैं फटाफट से, और ये बेकन को भी रख देते हैं इसके ऊपर, ताकि ये भी बनता रहेगा। और अभी मीट प्रॉपर कुक हुआ नहीं है, अपने को वेल्डन चाहिए कुक, ताकि कस्टमर हमारा खुश हो जाए। और ये शायद से अब वेल्डन हो जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो यस, ये वेल्डन हो चुका है, नहीं मीडियम हुआ है। अभी अपने को वेल्डन चाहिए, उससे पहले यहाँ पर बॉक्स को उठा कर रख लेते हैं। इधर से ले लेते हैं हम बर्गर बंस।
और बर्गर बंस के साथ में ना अपने को लगेगा यहाँ पर टोमेटो, टोमेटो को रख देते इधर। और क्या ये वेल डन हो चुका है? यस ये वेल डन हो चुका है। और उसके साथ में ये भी वेल डन हुआ नहीं है, अभी वेल डन हुआ नहीं है, अपने को बन भी लगाना है, बन भी कट करना है, टोमेटो भी कट करना है। अभी नया नया हम यहाँ पर उतरे हैं ना, इसीलिए अपने को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और गैस को सबसे पहले बंद करते हैं, क्योंकि अपने इंडियन मम्मी ने हमें यही सिखाया है कि आंधी आए तूफान आए पहले गैस बंद कर दो, गैस वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसको रख देते हैं यहाँ पर और इसको कट कर देते हैं मिडिल से। और यस भाई साहब हमने इसे कट कर दिया, अब दोनों के दोनों बंस जाएंगे ग्रिल के ऊपर। और इसे भी हमें ना टोस्ट करना है, मतलब थोड़ा सा क्रिस्पी होने चाहिए। और उसके साथ में यहाँ पर क्या लगने वाला है, अपने को चीज लगने वाला है, तो फटाफट से चीज भी ले लेते हैं, चीज को भी रख देते हैं यहाँ पर। और कोई चीज है, टोमेटो स्लाइस चाहिए, तो टोमेटो स्लाइस के लिए टोमेटो को अपन रखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अगर देख लेंगे तो यहाँ पर टोस्टेड बन हो चुके, तो फटाफट से गैस को कर देता हूँ बन। ज्यादा भी टोस्टेड बन अपने को नहीं करना वरना वो जल जाएंगे। अब ये बन आ चुके हैं यहाँ पर, तो पहला वाला बन प्लेस करते हैं यहाँ पर। मगर उससे पहले अपने को कट करना है टोमेटो को 5 पीसेस में। तो ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। अबे 5 पीसेस हो गए, चलो दिक्कत नहीं है, 5 पीसेस हो गए। तो अपने को उसको कुछ इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले इसके ऊपर आएगा मीट, ठीक है, उसके बाद में आएगा इसके ऊपर चीज, फिर उसके बाद में बेकन, और फिर उसके बाद में टोमेटो स्लाइस आएंगे। दो दो टोमेटो स्लाइस चाहिए, एक से काम नहीं बनने वाला। और ये दो दो टोमेटो स्लाइस यहाँ पर आ गए और उसके ऊपर आएगा अब टोस्टेड बन। ठीक है, ये हो चुका अपना ऑर्डर कंप्लीट। अब इसे उठाना है और बैग के अंदर डालकर कस्टमर को दे देना है। और यस हमने $17 बना लिए काफी ज्यादा आसानी से। और मेरे को लग नहीं रहा था क्या हम इतनी आसानी से काम कर लेंगे, मगर बहुत बढ़िया तरीके से अभी हम काम कर रहे हैं। तो अभी फ्रिज के अंदर ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से निकाल के ना थोड़े से रॉ मेड ना उठाकर रख लेता हूँ और गैस को कर देता हूँ ऑन। और यहाँ पर किसी का ऑर्डर है नहीं है, ऑर्डर फिलहाल में तो नहीं है ऑर्डर। यस यहाँ पर ऑर्डर है भाई, यहाँ पर टोस्टेड बन वाला ऑर्डर है, मीडियम मीट चाहिए यहाँ पर। ठीक है मीडियम मीट कर देंगे, बन भी चाहिए अपने को, तो मीडियम मीट शायद से अब हो जाएगा। तो यस ये मीडियम है, या फिर मीडियम मीट हुआ नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है अब हुआ है मीडियम मीट। तो एक एक मिनट सर, तुम्हारा ऑर्डर क्या है मैं पहले वो चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर चाहिए एकदम वेल्डन मीट चाहिए ना, चलो इसको वेल्डन मीट देकर ना हम भगाते हैं यहाँ से, दिक्कत नहीं है। और अपन ने बन कहाँ पर रख दिया था, चलो यहाँ से बन ले लेते, इसको कर देते इसके ऊपर रख के कट। मगर यहाँ पर ऑलरेडी टोमेटो स्लाइस पड़े हुए, तो टोमेटो स्लाइस को पहले हटाएंगे, बन को उठा करना यहाँ पर रखते हैं। अबे हटना, छूट जा, मेरा बन जल जाएगा। अबे रुक जा भाई साहब, गैस को बंद कर देता हूँ। मीट वेल्डन होने में ये, चलो मीट वेल्डन होने में ये तो दिक्कत नहीं है। उसके साथ में इसको भी उठाकर यहाँ पर रख देते, जो भी मीट रेडी होगा। वैसे वेल्डन मीट भाई मेरे को ऐसा लग रहा है हो चुका है शायद से। यहाँ पर अगर जल गया मीट तो क्या होगा, एक मिनट वो भी चेक कर लेते। और यहाँ पर वेल्डन मीट हो गया, चलो मीडियम मीट हुआ है अभी। और ये जल गया भाई, ये जल गया, सॉरी 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 सॉरी। और इसको भी उठा लेते हैं यहाँ से, मैं क्या कर रहा हूँ। और गैस को करूँगा सबसे पहले बंद, पहला वाला जो ऑर्डर था, सॉरी ये तीसरा वाला ऑर्डर है ना, तीसरे वाले ऑर्डर के अंदर अपने को चाहिए 2 टोस्टेड बन। टोस्टेड बन बनाते हैं, मगर टोस्टेड बन को पहले कट करना पड़ेगा 20 से, और हमारे पास में टाइम बिल्कुल नहीं है, वरना अपने कस्टमर्स जो है वो वापस चले जाएंगे। एक सेकंड देना सर मेरे को, बस दे रहा हूँ तुमको टोस्टेड बन। और तुम्हारा ऑर्डर भी 3 नंबर रेडी हो रहा है, दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर टोस्टेड बन बस होने में है, और नीचे से बॉक्स जब तक अपन उठाकर ऊपर रख देते हैं। और क्या ये टोस्टेड बन हो चुके हैं, टोस्टेड बन, यस दोनों के दोनों टोस्टेड बन हो चुके हैं। पहले रखेंगे नीचे एक बन, उसके ऊपर आएगा मीट, भाई ये वाला मीट था ना, ये वाला मीट रख देते। वैसे ये कौन सा था, वेल्डन मीट है, वेल्डन मीट भाई, ये गड़बड़ कर दिया मैंने थोड़ी सी, इसमें से ऑर्डर में वापस नहीं निकाल सकता। खैर दिक्कत की बात नहीं, जो भी हो इसके अंदर ये रख के ना इसको कर देते। वैसे ये वाला ऑर्डर था ऑर्डर नंबर 3 का, ले ऑर्डर नंबर 3 निकल ले यहाँ से चुपचाप से। वैसे गुड बोल रहा है वो अपने को, अपन ने कुछ दूसरा ही माल इसको चिपका दिया। इसके पास में अभी सिर्फ और सिर्फ 100 सेकेंड ये और रुकने वाला है, तो मीडियम मीट चाहिए 2। ये मीडियम मीट हो चुका है, वैसे मीडियम मीट नहीं है ये वाला नॉर्मल वाला मीट है जो कि जल चुका है। अब अपने को बन की जरूरत है एक और भाई। ये भी गेम ना गैस स्टेशन सिमुलेटर की जैसे ही काफी, अरे मैंने कहा से कट कर दिया भाई, पाव को मैंने ऊपर से कट कर दिया। खैर कोई बात नहीं, होता रहता है, ये चलता रहता है, दिक्कत नहीं है। पहली पहली बार हम काम कर रहे हैं ना, तो फिर दिक्कत की बात नहीं है, होता रहता है ये सारी की सारी चीजें। और चीज भी लगने वाला है इसके अंदर, चलो चीज भी लगने वाला है। और यहाँ पर मीट
बंद कर रेडी हो रहा है, जब तक मैं यहाँ से चीज ले लेता हूँ। चीज को रख देते हैं यहाँ पर, बॉक्स को उठा लेते हैं यहाँ से। स्टार्टिंग के ऑर्डर्स के अंदर ना कुछ गड़बड़ होगी, थोड़ी बहुत दिक्कत नहीं है, और गैस को कर देता हूँ बंद, ठीक है, वरना अपने सारे के सारे बंस जल जाएंगे। इसके ऊपर आएगा, पहले काम करता हूँ, जला हुआ मीट रख देता हूँ, ठीक है, ताकि उसे पता ना चले। मगर अब खाने के बाद में यार भाई बिकन भी था, मैंने बिकन को तो गरम करने के लिए रखा ही नहीं, तो खैर फटाफट से बिकन को भी गरम करने के लिए रख देते हैं। ये पाव को उठाकर यहाँ पर रख देते हैं, बंस को पाव बोल रहा हूँ मैं, वाह। और उसके बाद में और कुछ चीज की जरूरत है, टोमेटो स्लाइस की जरूरत है, मतलब टोमेटो स्लाइस बिकन से पहले मैंने ऐड कर दिया, खैर कोई बात नहीं। उसके बाद में चीज है, और बेकन कौन सा वाला बेकन चाहिए, अपने को वेल डन बेकन चाहिए, दिक्कत नहीं है। अपन ना थोड़े टाइम के बाद में ना एकदम बढ़िया वाला जो ग्रिल है उसको खरीद लेंगे, और ग्रिल भी अभी काफी ज्यादा गंदा हो चुका है, इसीलिए थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है। इससे अपने को ना ग्रिल ब्रश से सारी की सारी ग्रिल को साफ करना पड़ेगा। और भाई साहब एक और ऑर्डर आ चुका है, अपना दूसरा वाला ऑर्डर क्या है वो खोलने से पहले अपन चेक कर लेते हैं। भाई ऑर्डर टू जा रहा है, ऑर्डर टू नहीं, इसको ऐसी दे दो, ऑर्डर टू प्लीज मत जा, मेरा नुकसान हो जाएगा भाई, ऑर्डर टू, ले, तेरा माल ले ले और तू निकल ले भाई, लेट बोल के इसने अपने को $18 तो भी दिया है। चलो रेटिंग का थोड़ा सा इशू हो रहा है। दीदी आपका क्या चाहिए, आपको टोस्टेड बन मीट वेल्डन चाहिए, चलो दिक्कत नहीं। और भाई इसके ऊपर अगर देखोगे तो काफी ज्यादा गंदगी हो चुकी है। एक सेकेंड मैम, कुछ देर आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरी ग्रिल हो चुकी है साफ। टॉगल ऑन ऑफ, ओके टॉगल ऑन ऑफ, तो मेरे को क्या इसे ऑन में साफ करना पड़ेगा, नहीं इसे ऑन में साफ नहीं कर सकता मैं, तो शायद से ये थोड़ा सा और गंदा होगा, उसके बाद में हम काम कर सकते हैं इसके ऊपर। तो भाई दो दो ऑर्डर आ चुके हैं, एक सेकंड देना मेरे को। सबसे पहले ना मैं बंस ले लेता हूँ, और बंस कौन से चाहिए, टोस्टेड बन चाहिए ना, चलो इसको पहले कट कर लेते हैं अपन। यहाँ से ये टोस्टेड बन हो चुका, दोनों को दोनों बंस उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। और मैंने क्या दोनों रख दिया एक साथ में, नहीं दूसरा वाला बन कहाँ गया, अच्छा ये उड़ के यहाँ पर आ गया ना, कर देता हूँ इसको फटाफट से ऑन। टोस्टेड बन के साथ में वेल्डन मीट चाहिए और चीज चाहिए ना, तो सबसे पहले लेंगे हम यहाँ से मीट, और मीट को ऐसे ही रख देता हूँ मैं इसके ऊपर, और यहाँ से ले लेते हैं चीज। चीज को रखते हैं इधर साइड में, इसको उठा के डिब्बे को ऊपर रखते हैं। और क्या ये टोस्टेड बन हो चुके हैं, यस ये टोस्टेड बन हो चुका है, बेस नीचे जाएगा, ऊपर वाला जो है उसको यहाँ पर हटा देते हैं। और कोई चीज की जरूरत नहीं, काफी ज्यादा बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, और ये वेल्डन मीट बस होने पे ही है। और फ्रेश फ्रेश और गरम गरम खाना हम कस्टमर्स को सर्व करेंगे, और काफी ज्यादा पैसे बनाएंगे, क्योंकि जितना अच्छा खाना हम लोगों को देंगे उतना ही बढ़िया रिव्यू अपने को मिलेगा। तो मीट रख दिया, उसके बाद उसको चाहिए चीज, उसके बाद में बन, और ये ऑर्डर नंबर है चार, ऑर्डर नंबर चार ये रहा, ऑर्डर नंबर चार, थैंक यू सो मच मैम। एवरेज बोल रहे हैं और लेट बोल रहे हैं, सॉरी, ऑर्डर पांच का क्या हाल है, इसको भी सेम वाला चाहिए, बस शायद से अंदर दो पैटीज चाहिए उसको, और नहीं एक ही चाहिए ना। और बन कहा गया भाई, मेरे पास में ना प्रोडक्ट्स खत्म होने वाले है, मतलब जो अपन ने माल अभी जस्ट क्लेरा के पास से परचेस करके लेके आया था ना, वो सारा का सारा माल अपने पास से अभी खत्म होने वाला है। और यहाँ पर दोनों के दोनों चीजें रख, और क्या हो गया, यू हैव रन आउट ऑफ गैस। ओ भाई दीदी मेरी गैस खत्म हो गई, कच्चा कच्चा माल इसको अगर दे दूं, दो दो ऑर्डर नहीं चाहिए भाई इसको, कच्चा कच्चा माल यार, गैस खत्म हो गई तो मेरे को गैस परचेस करना पड़ेगा यार, ये तो दिक्कत की बात हो गई। क्या यहाँ से ना मैं एग्जिट करता हूँ, और एग्जिट करने से शायद से पूरा रिटर्न हो जाएगा। मैं क्या मेरी शॉप को कुछ देर के लिए बंद नहीं कर सकता क्या, यहाँ से ऑप्शन होने चाहिए शॉप को बंद करने का। और रेडियो को सबसे पहले बंद करता हूँ, यहाँ से ऑर्डर देने का कुछ है नहीं, तो आई एम रियली सॉरी भाई लोग, ऑर्डर मैं अभी नहीं ले सकता, मेरे गैस खत्म हो चुका है। और यहाँ से एग्जिट करके अगर चेक करेंगे तो यस वो बोल रहा है पहले वेंडिंग फिनिश करो उसके बाद में, तो एक काम करते हैं रुक जाओ, वेंडिंग फिनिश करना है ना ऐसा कच्चा कच्चा माल दे देंगे, मगर यार पहले ही दिन यार बहुत गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना सर, द प्रोडक्ट इज नॉट रेडी। खैर अभी ना हम यहाँ से जा सकते हैं ना ही गैस को ऑर्डर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जब जाएंगे अभी हम गैस को बुला सकते हैं, मतलब गैस का ऑर्डर दे सकते हैं, बगैर इसके तो यहाँ से जा नहीं सकते। तो अभी फिलहाल में ना तो हम ये शॉप को बंद कर सकते हैं ना ही गैस ला सकते हैं, क्योंकि गैस लाने के लिए शॉप को बंद करके जाना पड़ेगा। शॉप बंद करने के लिए बोल रहा है ऑर्डर पहले कस्टमर को सर्व करो, ऑर्डर इसीलिए सर्व नहीं कर पा रहे क्योंकि ये वाला मीट पूरी तरीके से रेडी हुआ नहीं है, और इस मीट को रेडी करने के लिए अपने को ग्रिल पर इसे बनाना पड़ेगा, और ग्रिल पर बनाने के लिए अपने को चाहिए होगा गैस, मगर गैस ला नहीं सकते क्योंकि शॉप नहीं बंद कर सकते, तो हम एक लूप में फंस चुके हैं। खैर उसका कुछ तो भी करेंगे हम जुगाड़। और ये है ऑयल का डिब्बा, खैर
बाकी सारी चीजों को हम देखते हैं और काफी सारी चीजों को अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। तो बस फिर आज के एपिसोड को इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। नए आए हो चैनल पे, एंजॉय किया तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऐसे ही बढ़िया बढ़िया गेम प्लेज और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया सीरीज आते रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। सेकंड चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी जरूर चेकआउट करो। मैं उस पर भी बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलता हूँ तुम लोगों से अगले एपिसोड में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।